Dear friends, welcome back to Shomin Nath's YouTube channel. I have come up with a new logo, Shomin Nath YouTube channel, Know the Truth. तो चलिए आज बात करते हैं जो मकाउद का जो undergraduate जितने सारे students हैं, यानी कि first semester में admission लिए हुए हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि examination pattern कैसे होते हैं और ये जो revised new guidelines आया हुआ है फॉर स्टूडेंट्स के लिए, आज उसके बारे में पूरा खुलासा करेंगे और ये एपिसोड 1 है। इसके बाद और सारा बहुत सारे एपिसोड आने वाला है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मकाउद का जो अंडरग्रेजुएट एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है उसमें देखिए मैंने 4 इयर्स 5 इयर्स और 3 इयर्स तीनों कोर्स के बारे में एक साथ बात करने के लिए ये बनाया हुआ हूँ। तो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि बीटेक जो होता है यानी कि इंजीनियरिंग जो होता है वो 4 साल का होता है और जो ऑप्टोमेट्री यानी कि पैरामेडिकल जो कोर्सेस होता है वो 5 साल का होता है और जनरली ग्रेजुएशन जो बीबीए बीसीए जो सारा होता है वो सारा 3 साल का होता है। तो आपके लिए थोड़ा अलग अलग हो सकता है लेकिन बाकी जो प्रोसीजर है वो पूरा सेम है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट है इसमें। देखिए अंडर ग्रेजुएट जो एग्जामिनेशन है उसमें हम लोग पहले कंटिन्यूस असेसमेंट और उसको शॉर्ट फॉर्म है सीए और इंटरनल असेसमेंट भी कहते हैं उसको। दूसरा जो है प्रैक्टिकल असेसमेंट और लैब बेस्ड असेसमेंट और पीसीए कहते हैं इन शॉर्ट। तीसरा जो वाला है वो है सेशनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट और वाइवा, ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। और लास्ट वाला जो है चौथा यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जामिनेशन सेमिस्टर वाइज। देखिए यहाँ पे ये जो थ्योरी पेपर जो है पहले मैंने ये लिया हुआ है सीए और पीसीए और बाकी जो सेशनल है उसके बारे में बाद में बात कर रहे हैं। तो पहले देखिए ये जो यूजी का जो थ्योरी पेपर है ये एक तो है कंटिन्यूस असेसमेंट थ्योरेटिकल CA1 CA2 CA3 CA4, ये चारों पेपर होने वाला है आपका। इंटरनल असेसमेंट जो है वो 25 मार्क्स का होता है और दूसरा जो है वो है स्टूडेंट्स अटेंडेंस, उसके ऊपर 5 मार्क्स दिया जाता है। ये अभी तो देखिए ऑफलाइन जनरली फिजिकल जब होता है तब ये काउंट किया जाता है लेकिन अभी ऑनलाइन पे भी चालू हो गया है तो शायद इसमें भी ये 75% मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। और तीसरा जो है ये यूनिवर्सिटी रिटन एग्जाम, ये 70 मार्क्स का होता है, टाइम एलोटेड फॉर 3 आवर्स। और ये जो चौथा वाला पॉइंट है ये मार पॉइंट्स है, मार का मतलब मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए कंटिन्यूस जो असेसमेंट है ये कंटिन्यूस असेसमेंट CA1 CA2 CA3 CA4 ये जो पूरा है, ईच CA विल कंटेन 25 मार्क्स। आपको ये CA विल बी इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स दिया जा सकता है, PPT यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या तो फिर क्विज या फिर केस स्टडी या फिर डिपेंड कर रहे हैं जिस टीचर आपका जो CA इंटरनल असेसमेंट ले रहा है कौन सा प्रोसेस अप्लाई करें। नेक्स्ट जो है अटेंडेंस इन ऑल CAs इज अ मस्ट, आपको सभी CA सबमिट करना है असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाए वो आपको सबमिट करना है। इफ़ यू मिस वन चांसेस टू गेट बैकलॉग इज वेरी हाई, अगर आपको एक मिस कर दिए चारों से तो बैकलॉग हो सकता है क्योंकि ये जो नया अमेंडमेंट आया हुआ है यूनिवर्सिटी का इसी साल का जो अमेंडमेंट 3 हुआ है उसमें ये कहा गया है कि इफ़ यू मिस अ सिंगल CA विच इज इंटरनल एग्जामिनेशन देन देर आर चांसेस दैट यू माइट गेट बैकलॉग इन दैट पेपर। नेक्स्ट इज जनरली बेस्ड जो CA मार्क होता है उसको कंसिडर किया जाएगा। पहले थोड़ा रूल अलग पिछले साल अलग किया गया था कि बेस्ट ऑफ 2 उसके पहले था एवरेज ऑफ 4, अभी ये कहा जा रहा है कि CA मार्क जो है बेस्ट जो CA मिलेगा चारों में से उससे बेस्ट आपको लिया जाएगा, बेस्ट मार्क्स जो है वो लिया जाएगा। तो ये था आपका CA का पोर्शन। यहाँ पे आपको 25 मार्क्स में जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वही आपके लिए बेहतर होगा। अभी देखिए ये सेमेस्टर जो थियोरी एग्जामिनेशन होता है, ये थियोरी एग्जामिनेशन कैसे होता है,
ये बात मैं बता देता हूँ। देखिए पहले तो क्या 25 मार्क्स, अभी आ रहा हूँ मैं 70 मार्क्स पे। तो ये जो 70 मार्क्स है, तो 70 मार्क्स में ग्रुप ए होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। यहाँ पे 10, 12 से 15 क्वेश्चन रहता है, जनरली आपको 10 आंसर करना पड़ता है। ग्रुप बी में होता है 5 क्वेश्चन और उसमें आपको 3 क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, वो टोटल 15 मार्क्स के लिए। और ग्रुप सी जो होता है उसमें आपको 3 क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और वो डिवीजन में होता है, हो सकता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, या तो फिर 5+5+5, या तो फिर 7+8, या कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, या तो फिर एक फ्लैट 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये क्या है आपका 10+15 25 और 45, टोटल 70। अब आप पूछ सकते हैं कि सर 45 यहाँ पे 70 गया और वहाँ पे 25 गया, तो ये 95 हो गया, बाकी 5 मार्क्स कहाँ पे गया बता होगा। तो देखिए ये जो अटेंडेंस है स्टूडेंट्स का, ये मैंने कहा था मिनिमम 75% अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो यहाँ पे देखिए अटेंडेंस ये ऐसे होता है, 100% अटेंडेंस अगर आपको हो तो मार्क्स मिलता है 5, 95% अटेंडेंस हो तो आपको मिलता है 4.75 मार्क्स, अगर 90% अटेंडेंस हो तो 4.5, 85% अटेंडेंस हो तो मिलता है 4.25, और अगर 80% अटेंडेंस हो तो आपको मिलता है 4, और 75% जो मिनिमम है उसके लिए आपको 3.75 मार्क्स मिलता है। तो आपको ये 75% स्कोर करना ही पड़ेगा, इसका मतलब 3.75 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो अगर 75% ही आपका मिनिमम अटेंडेंस रहता है, तो देखिए अगर आप 25 में सीए में 25 मिलता है आपको, तो 25+3.75 का मतलब कितना आया, इसका मतलब आया हो गया आपका 28.75। ये और अगर 80% आपका अटेंडेंस हो तो आ गया आपका 29। तो ऐसे आप एड अप करके अपना स्कोर जान सकते हैं। और देखिए ये मैंने जो कहा था कि थ्योरी में जो होता है कि ये देखिए ग्रुप ए 70 मार्क्स के लिए 3 घंटा मिलता है, और ग्रुप ए में मैं जस्ट एक यहाँ पे उठा के क्वेश्चन पीवीएसएस का जो क्वेश्चन है 2019-20 का, उसका एक पेपर दिया हुआ है यहाँ पे। तो ग्रुप ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है मैं जैसे मैंने कहा, और फिर ग्रुप बी में होता है 5 क्वेश्चन, उसमें से आपको एनी 3 आंसर करना होता है, और उसके बाद आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मार जो एक्टिविटीज पॉइंट है, अ स्टूडेंट शुड एक्वायर अ टोटल ऑफ मिनिमम, अगर 4 साल का कोर्स हो तो 100, यानी कि पार्ट सेमेस्टर 25 25, फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि पार ईयर फर्स्ट ईयर 25 आपको स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम, सेकेंड ईयर में 25 स्कोर करना पड़ेगा, थर्ड ईयर में 25 स्कोर करना पड़ेगा, फोर्थ ईयर में 25 स्कोर करना पड़ेगा। अगर 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन हो तो फर्स्ट ईयर में 25, सेकेंड ईयर में 25 और थर्ड ईयर में 25 स्कोर करना पड़ेगा। अगर ये मार स्कोर आप नहीं करते, इसमें बहुत सारा कैटेगरी है, इसका मेरा अलग से वीडियो है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो अगर आप ये स्कोर नहीं करते अगर, तो आपको फाइनल जो डिग्री मार्कशीट तो मिल जाएगा लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे क्लियर कट जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और ये देखिए ये 12/3/2019 से लागू हो चुका है, उससे पहले सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए यानी कि बीटेक के लिए लागू हुआ था, अभी सभी कोर्स के लिए ये लागू हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड जो है उसमें मैं डिस्कस करूंगा जो पीसीए यानी कि प्रैक्टिकल का जो पार्ट है और सेशनल का जो पार्ट है उसके बारे में। तो बने रहिए सौमिन नाथ यूट्यूब चैनल के साथ, और लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसका आनंद उठाइए। विद दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब सौमिन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।